मेरे प्रिय छात्रों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में आप जानोगे एनालिटिकल टेबल के बारे में यू नो वेरी वेल कि आपका टेंथ एग्ज़ाम में एनालिटिकल टेबल पूछा जाएगा जो कि फाइव मार्क्स का होगा फाइव मार्क्स लाना बहुत ही आसान है यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हो फिर आप सॉल्व करते हो तो सबसे सब पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना और अच्छे से एनालिसिस करना क्योंकि जैसा कि इसका नाम ही है पैराग्राफ यानी जो भी आपको डेटा दिया गया उस डेटा को एनालिसिस करना है समझना है और उससे रिलेवेंट बातें आपको लिखना है मैं आपको बताऊं कि यदि आप अपना मार्कशीट यदि देखते हो तो कभी कभी आप उस पर एनालिसिस करते हो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा यू हैव डन वेरी वेल इन मैथ सब्जेक्ट इन साइंस सब्जेक्ट समथिंग इज़ नीड एंड हिंदी इज बेटर दैन दिस यही चीज हम यहाँ पर भी करते हैं देन यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन क्वेश्चन इज हयर द फॉलोइंग पाईचारो दर्सेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन कर इन पब्लिशिंग अ बुक स्टडी द पाईचार्ट एंड राइट अ पैराग्राफ एनलाइजिंग द गिंग डेटा यानी ऑलरेडी आपको डेटा दे दिया पाईचार्ट दिया गया जो कि हंड्रेड को डिवाइड कर दिया है अलग-अलग परसेंटेज में आपको ये भी बता दिया गया कि यह जो डेटा है वह आपका पब्लिसिंग बुक यानी एक बुक को पब्लिसिंग कराने के ऊपर में जो खर्च हुए हैं उसी को वह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अलग अलग बांट दिया गया किस में कितना खर्च हुआ नाउ यू आर गोइंग टू राइट आंसर ऑफ सेम क्वेश्चन यू विल गेट फाइव मार्क्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट यू हैव टू राइट हेडिंग दैट मीन्स टाइटल टाइटल अकॉर्डिंग टू यू वट एवर विल बी सुटेबल यू कैन राइट तो यहाँ पर जो टाइटल दिया गया वह है एक्सपेंडिचर इन पब्लिसिंग आप बदल भी सकते हो थोड़ा सा बट रिलेवेंट होना चाहिए ना यू हैव टू स्टडी द पैचार एज यू आर गेटिंग फर्स्ट इज़ प्रमोशन प्रमोशन कितना है टेन परसेंट है रॉयल्टी फिफ्टीन परसेंट है बैंडिंग में जो खर्च है वो ट्वेंटी परसेंट है पेपर कॉस्ट की बात करूँ तो आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट है प्रिंटिंग की बात करें तो ट्वेंटी परसेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका टेन परसेंट है आपने पहचाट से सब कुछ देख लिया वेन ईवर यू गोइंग टू राइट द फर्स्ट यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट वाट एवर डेटा इज रिलेटेड देन यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू डेटा यानि हम सबसे पहले रिलेवेंट बातों को थोड़ा सा जिसे बोलते ना इस्टार्टिंग करें ओके आफ्टर दैट आपका डेटा जो शो कर रहे हैं वही कीजिए आइए आंसर को जानते हैं इन्होंने स्टार्ट किया है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एज वी ऑल नो बुक पब्लिशिंग इज नॉट एन इजी जॉब इट रिक्वायर्स द एफर्ट ऑफ मैनी पीपल एंड एक्सपेंडिचर इनकर इन पब्लिशिंग द बुक कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर वेरियस हेड्स एज यू कैन सी इन द पाई चार्ट एब दैट द मेजर कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन बाइंडिंग एंड पेपर वी कैन से दैट दिस टू आर नेजर रॉ मेटेरियल फॉर पब्लिसिंग बुक यहाँ तक आपने देखा कि अभी तक डेटा को लेकर कोई फोकस नहीं किया कोई अच्छी बात आया नहीं बट स्टार्टिंग धीरे धीरे करने जा रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में जा रही है और जनरली जो स्टार्टिंग का टू सेंटेंस है वो भी उससे रिलेवेंट सिर्फ है अब यदि यहाँ से बात करते हैं अबाउट ट्वेंटी परसेंट से तो आपका जो डेटा है उसमें इसी को रैड किया गया है आप छोटा छोटा सेंटेंस भी बना कर रेड कर सकते हो अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द कॉस्ट गोज़ इन टू प्रिंटिंग आप दूसरा तरीका भी सेंटेंस बना सकते हैं कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंटिंग कॉस्ट देन प्रिंटिंग कॉस्ट इज प्रिंटिंग कॉस्ट इज हाउ मैनी आपका ट्वेंटी परसेंट आप लिख सकते हैं प्रिंटिंग कॉस्ट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट आप एड कर सकते हो नो प्रब्लम वेयर इज़ प्रमोशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अराउंड टेन परसेंट यानी दोनों टेन टेन परसेंट है इसलिए दो ने आपने देखा तो ये भी आपने थोड़ा सा टिक जाना यदि दो रहे तो एक ही साथ ऐड कर दें एंड एज मच फिफ्टीन परसेंट ऑफ टोटल बुक पब्लिशिंग कॉस्ट इज पुट असाइड फॉर रॉयलिटी पर्पस वी कैन कंक्लूड बाय बंग दैट बुक पब्लिशिंग इनवॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू नॉट यू डोंट एवन बोथर वॉट वेन यू आर रीडिंग अ बुक ये आप सेंटेंस राइट right भी कर सकते हो नहीं भी राइट right करें कोई दिक्कत नहीं यानी अपने स्टार्टिंग के स्टार्टिंग करने के बाद बिल्कुल आप क्या करोगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे आप राइट right करना शुरू कर दोगे होप इज़िली आपको समझ में आया होगा आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट किसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे जैसे कि आप देख रहे हो रीड कर लिए यह आपको परफेक्ट नहीं बनाएगा परफेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए करेक्ट प्रैक्टिस सही प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन ला सकता है तो आप सही से प्रैक्टिस करोगे यानी आप राइट करोगे फिर एनालाइजिंग भी करोगे फिर देखोगे थोड़ा सा कि किस तरह से राइट किया गया कि है ओके आप प्रैक्टिस करते रहिए और भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू थैंक यू सो मच